सरकारी प्रबंधन संस्थान में सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। बैठक में राज्य कोऑपरेटिव बैंक में नवनियुक्त अध्यक्षों, यूसीएफ अध्यक्षों और आवास संघ के अध्यक्षों ने शिरकत की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के गरीब किसानों, सीमांत किसानों और लघु किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत ऋण देने की बात कही थी। पहले इस योजना के तहत 2% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध होता था, अब उसी योजना को राज्य सरकार किसानों को 0% पर देगी, जिसको लेकर सहकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार 26 जनवरी के आसपास इस योजना की भव्य लॉन्चिंग भी करेगी, जिससे प्रदेश के 6,28,000 किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर 1,00,000 से लेकर 5,00,000 तक का ऋण दिया जाएगा। इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम 0% पे उनको ऋण देना चाहते हैं, और 6,28,000 किसान हमारे लघु और सीमांत किसान पूरे प्रदेश में हैं, उनको आय कैसे दुगनी होगी, लगभग 29 चीज़ों के लिए हम उनको जो भी ऋण देंगे 1,00,000 से लेकर 5,00,000 तक का, कृषि आधारित कोई भी काम करना चाहते हैं तो 5,00,000 तक का ऋण भी हम उनको 0% में देंगे। और लगभग 26 जनवरी के इर्द गिर्द हम इस योजना की बड़ी भारी लॉन्चिंग करने वाले हैं। संपाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।